नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज लिथियम आयन बैटरी पैक किस तरह से बनाया जाता है घर में, आप बहुत आसान तरीके से बैटरी किस तरह से बना सकते हैं इसको दिखा दे रहे हैं। एक आपको ये कॉपर के तार लेना है मोटा सा, और पतला पतला सा तार लेंगे जिसको सीरीज कनेक्शन देना है। ये देख सकते हैं लिथियम आयन सेल है सारे, क्योंकि ये काफ़ी समय लग जाता इसीलिए पहले से कुछ कनेक्शन दे के रखे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह दे करके रखे हैं। ये देखिए सीरीज कनेक्शन ये सब दिया गया है, और ये BMS लगाने के लिए इसको एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा गया है। और आइए बाकी सब जानकारी दे देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कॉपर के मोटा सा तार है जो इसमें से BMS का कनेक्शन दिया जाएगा। ये पतला सा तार है, इसको सीरीज कनेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये इस तरह से आप थोड़ा सा इसको रंगा से टच करा दीजिए, उसके बाद पतला तार से, ये वाला तार से बहुत पतला तार ले लीजिए, कॉपर का ही लीजिए जिसे पावर सप्लाई अच्छा से रहे। इस तरह से सारे के सारे में सीरीज कनेक्शन दे देना है, और फिर बीच में मोटा सा जो कॉपर के तार है BMS लगाने के लिए जो पोर्ट रखा जाएगा उस पोर्ट को बीच में रखा जाएगा, जो काफ़ी मजबूती बैटरी का मजबूती रखेगा, कहीं से कोई लूज कनेक्शन के डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से धीरे धीरे इसको रंगा से सबका कनेक्शन दे दीजिए एक साइड में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये एक्चुअली लैपटॉप के बैटरी है, लैपटॉप से निकाला हुआ बैटरी है जो एकदम डैमेज था, इसको रिपेयर करके फिर बैटरी पैक बना रहे हैं। इसको 7 सीरीज और 7 पैरेलल कनेक्शन दिया जा रहा है, तो ये 24 वोल्ट से ऊपर आ जाएगा, और एम्पियर करीब करीब ऐसे बैटरी के एम्पियर के हिसाब से बैटरी पैक तो 14 एम्पियर हो जाना चाहिए, तो ये 10 एम्पियर समझ लीजिए, क्योंकि इसका एम्पियर कुछ कम ज़रूर हो गया होगा। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से रंगा से इसको सीरीज वाला कनेक्शन दे करके रखा जा रहा है, इसके बाद मोटा वाला तार को कनेक्शन दिया जाएगा। आप भी अपने साइकिल के प्रोजेक्ट के लिए साइकिल घर में खुद से बनाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक बना करके चलाना चाहते हैं, तो बैटरी में कम खर्चा अगर करना चाहते हैं, जैसे बैटरी काफ़ी महंगा होता है और लीड एसिड बैटरी UPS वाले बैटरी ज़्यादातर लोग लगाते हैं, UPS वाली बैटरी ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है और उसका एवरेज भी बहुत कम रहता है, तो एक बार लगा तो लेंगे 1400 रुपया खर्चा आ जाता है उसमें, 700 रुपये के UPS के बैटरी एक आती है, तो 2 बैटरी लगता है दोस्तों, और 2 बैटरी में मुश्किल से 2-3 महीना चलता है, उसके बाद फिर वो बैटरी एकदम एवरेज निकालना बंद कर देता है। तो इस तरह से आप थोड़ा
कम ही खर्चा में इस तरह से बैटरी पैक बना लीजिए। लैपटॉप के रिपेयर शॉप में जाके इस तरह के लैपटॉप के बैटरी ले लीजिए और फिर इस तरह सेल निकाल करके उसको मेंटेन करके जो बैटरी वोल्टेज बिल्कुल ठीक बताता है वो बैटरी से आप इसको बना लीजिए। और इस बैटरी का खासियत एक ये भी है कि आप इसमें BMS नहीं भी लगाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा ये चल जाता है। तो ये BMS ना लगाने की बात हम इसलिए बोल रहे हैं, हम खुद यूज़ कर रहे हैं, BMS ना लगा के ही हम साइकिल चलाते हैं काफ़ी अच्छा, और काफ़ी दिनों से 6 महीने से ऊपर हो गया है हमारे साइकिल बनाए हुए, और साइकिल का वीडियो हमारे YouTube में अपलोडेड भी है, आप लोग जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो वो जो साइकिल का वीडियो हमारे अपलोड किया गया है उसमें BMS नहीं लगा है और वो बैटरी 70 सेल से बनाए हैं, लैपटॉप से निकाला हुआ सेल से, और काफ़ी डैमेज सेल से बनाया है और काफ़ी अच्छा किलोमीटर वो निकालता है। हमारे मार्केट घूमने वाला सारे काम हम कई दिन तक जो है उससे घूमते हैं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, काफ़ी अच्छा वोल्टेज बताता है और काफ़ी अच्छा उसका वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ भी चलती है, पिकअप भी उसका बहुत बढ़िया है। और हम एक बार UPS बैटरी भी लगा चुके थे सबसे फर्स्ट टाइम में, आज से दो साल पहले। तो वो क्या हुआ था, दो महीना से अढ़ाई महीना चला था, उसके बाद एकदम बिल्कुल वो चलना बंद कर दिया था, बैटरी ख़राब हो गया था। उसके बाद लिथियम बैटरी लगाए हैं लैपटॉप से सेल निकाल करके बना के, तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसी तरह का सेल निकलता है, आप लोगों के हेल्प के लिए ये है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से ये सीरीज कनेक्शन दिया जा रहा है और बीच में एक पोर्ट रखा गया है, बीच में से ये मोटा सा तार देख रहे हैं, यही तार से BMS अगर आप लगाना चाहेंगे तो इसी तार में कनेक्शन दे दीजिएगा। तो ये BMS के लिए किसी बैटरी को फिर बैटरी से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं निकालना पड़ेगा, और जो नेगेटिव पॉजिटिव पोर्ट निकालेंगे इसी में से निकाल लेंगे तो हो जाएगा, बैटरी को आपको कोई किसी तरह का अब छेड़छाड़ करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लास्ट कनेक्शन हो जा रहा है, और आशा करते हैं कि ये कनेक्शन आप लोगों को समझ में भी आ जा रहा है। सीरीज कनेक्शन का मतलब है एक प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल को जब आप जोड़ देते हैं तो आउटपुट जहाँ से निकालेंगे वो डबल हो जाएगा, और ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप आशा करते हैं ये सब जानते हैं। फिर भी ये थोड़ा सा लिथियम आयन का कनेक्शन देना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो कई तरह से आदमी बनाते हैं, कोई हमारे इस वीडियो देखने के बाद कई लोग बोलेंगे कि ये ख़तरनाक है, सोल्डरिंग करने से बैटरी फट सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें हीट बर्दाश्त करने की क्षमता होता है, हम काफ़ी हीट दे करके देखे हैं, कुछ नहीं होता है। और बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, हम बहुत कई सालों से ये काम कर रहे हैं और अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, और हम सेल से जो है काफ़ी चीज़ें बना चुके हैं, नया सेल से भी पुराने सेल से भी हम काम कर चुके हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम हमारे सामने अभी तक नहीं आया। और आप लोगों को जो ज़्यादा महंगा बैटरी नहीं बनाना चाहते हैं आप लोग इस तरह से बैटरी पैक बनाएं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये, लेकिन ये छोटा और कम वाट के मोटर के लिए अच्छा है, हैवी वाट के मोटर में यूज़ करना ये ठीक नहीं है, ये चलता नहीं है। आप देख सकते हैं ये 7 सीरीज का है, 29.2 वोल्ट इसमें बता रहा है,
तो दोस्तों ये फुल चार्ज है, इस सारे सेल को रिपेयर किया गया, ये फेंका हुआ था, ये एक साल से ऊपर हो गया था हमारे घर में, किसी डब्बे में पड़ा हुआ था। तो हम एक वीडियो बनाए हैं, वीडियो को अभी अपलोड नहीं किए हैं, सेल ख़राब बहुत कम होता है, इसका एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप लोग देख करके इसको, आप लोगों के पास भी अगर किसी तरह का कोई लैपटॉप का पुराना सेल डैमेज सेल पड़ा हुआ है तो उसको कबाड़ी को मत बेचिए, उसको रिपेयर करने की कोशिश आप बिल्कुल कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों ये लास्ट कनेक्शन है, ये माइनस टर्मिनल निकाला जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, और इसका पूरा कनेक्शन हो जाएगा। हाँ देख सकते हैं ये इस तरह से बैटरी से ही जो है एक टर्मिनल निकाला जा रहा है, जो यहाँ से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के तार निकालना है, बस ये बैटरी पैक तैयार। इसके बाद इसको आप किसी साइकिल के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक बार बता दें कि ये सारे रिपेयर किया हुआ सेल है और हमारे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे सेल में 3.7 से ऊपर वोल्ट है, हम इसको चार्ज करके रिपेयर करने के बाद इसको चार्ज करके 2-3 दिन जो है इसको रखे हुए थे, ये देखने के लिए कि कुछ वोल्टेज इसका डैमेज हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल हल्का फुल्का 1-2 पॉइंट डैमेज इसका हो रहा था, तो वो तो नए सेल में भी होता है, हम सेल को देखे हैं, नए सेल को भी रख के देखे हैं, वो भी डैमेज होता है। तो दोस्तों ये लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, नए सेल हम सेलिंग करते हैं, अगर आप लोगों को नया सेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, संपर्क करिए, सेल लेकर के इसी तरह से बैटरी पैक आप घर में बना सकते हैं। और पुराना सेल, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिलता नहीं है, पुराना सेल से अगर बनाना चाहते हैं तो अपने एरिया में तलाश लीजिए, किसी लैपटॉप के सेंटर में या कबाड़ियों के पास भी मिल जाता है, तो जहां आपको अच्छा प्राइस में अच्छा सेल अच्छा बैटरी मिल जाता है वहां से ले लीजिए और इस तरह से बैटरी पैक बना लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लोगों को ये वीडियो देख करके कुछ हेल्प होता हो हमारे वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इसलिए कि आप लोगों के सब्सक्राइब से हमारे मनोबल भी बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने का उत्साह भी बहुत बढ़ता है, और आगे इसी तरह का नए नए तरीके का वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। और नया वीडियो, हमारे नया वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन रखिए, इसलिए कि जब भी कोई नया वीडियो दे सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और ये हमारे पूरा कंप्लीट कर दिए हैं इस बैटरी पैक का, देख सकते हैं ये 28.7 वोल्ट इसमें कंप्लीट बता रहा है।